हाईवे थाना क्षेत्र के गोवर्धन चौराहे के पास रामकृष्ण नगर कॉलोनी का यहां हुआ टू स्टूडेंट बच्चों पर हमला। मामला यह है, दो बच्चे अपनी कोचिंग से घर लौट रहे थे। रामकृष्ण नगर कॉलोनी में ही कुछ दबंगों ने दारू पी रखी थी और अपने घर के सामने बदतमीजी कर रहे थे। वहीं से यह बच्चे निकले तो इनको भी वह गालियां देने लगे, तो बच्चे वहां से जा रहे थे, इन्होंने फिर से रोका और गालियां देने लगे। एक बच्चे ने बोला, गाली क्यों दे रहे हो, हम आपसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इन्होंने उन दोनों बच्चों की जमकर पिटाई कर दी। 5 से 6 दबंगों ने बच्चों को बुरी तरह पीटा। कॉलोनी वासियों ने उन्हें बचाया तो बच्चे अपने घर की तरफ भागे। दबंगों ने उनके पीछे जाकर उनके घर पर भी हमला कर दिया। यहां कुछ लेडीज को भी चोट आई है और मारपीट के चलते महिलाओं के कुछ गहने भी कहीं गिर पड़े, जिनका अभी कोई पता नहीं है कि किसके पास है, और महिलाओं की भी चोट आई है। हाईवे थाना में उन दबंगों के खिलाफ कल रात से एप्लीकेशन दिए हैं, पर दबंगों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। जी आप थाना हाईवे पर आए हैं, क्या बात है, क्या मामला है? बहुत दबंग लोग, एक बच्चे को मारते थे और दारू पीते और बचाने जाते तो गाड़ी ब्लॉक करते थे, हमको मारा पीटी की है। कब मारा पीटी की थी, कौन कौन लोग? नाम तो मेरे पास लेते हैं, नाम नहीं जानती हूँ, इसलिए गली में। अरे क्या हुआ था, पूरा मामला बताएं। पूरा मामला ये है कि ट्यूशन के बच्चे आ रहे, वो मारे 5-7 लोग गए, नकली मारे बच्चे आ रहे, तो हम उसके घर पे पुलिस का क्या कहना था ना, यहाँ पे आ गए तो घर पे आके भैयान इनसे गाड़ी के लोग घर पे वो उनसे आके करी और मेरे पास भी मारा है पीछे से। कितने लोग थे वो? 7-8 लोग थे। कहाँ के रहने वाले हैं? अमर कॉलोनी। अमर कॉलोनी की, क्या आपके जानकार भी हैं वो? वैसे जानती हूँ, पड़ोसी है, वैसे दूसरी गली। आपके कितने बच्चों में उन्होंने मारा पीटी की है, आपके बच्चे? मेरे 3-4 बच्चे हैं। क्या नाम है उनके? एक का नाम कन्हैया है और एक का नाम अर्जुन है। इनमें झगड़ा कैसे हुआ, कहाँ से आ रहे थे आपके बच्चे? ट्यूशन पढ़ कर आ रहे थे। सोनू ठाकुर। सोनू जी, यहाँ थाना हाईवे आए, क्या मामला है? एक रात को एक झगड़ा हो गया था कॉलोनी में, भाई है एक विष्णु, ये मेरी बुआ है त्रिवेणी देवी, इनका भी लड़का था, दोनों कोचिंग से आ रहे थे, कुछ दारू मतलब शराब पी रखी थी लोगों लड़कों ने, उन्होंने इनको रोक लिया, गाड़ी ब्लॉक देने लग गए। इन्होंने जब पूछा कि हमको गाड़ी ब्लॉक क्यों दे रहे हैं, तो इन्होंने मारदार शुरू कर दी इनसे। एक लड़का वहाँ से छूट के ऐसे तैसे आया है घर पे बताया, हम सारे गए हैं घर से इकट्ठे होकर, फिर उन्होंने उनका सारा परिवार एक होकर फिर दोबारा से उन्होंने डंडों से प्रहार किया सब पे। कितने लोग थे वो? 7-8 लड़के होंगे, 7-8 जने घर घर के थे। कहाँ के लोग थे, क्या नाम है? अमर कॉलोनी के लड़के थे, क्या नाम? रवि जाट, थाल सिंह का भाई है वो, भूरा ठाकुर, जसवंत चौधरी, राकेश जाट, धर्मेंद्र जाट। तो फिर और भी कोई आपके साथ में हादसा हुआ है? हादसा हुआ है, मेरी माँ है, माँ के चोटें आई हैं, मेरा भाई है छोटा वाला, देखो हाथ पे छोटा वाला भाई है, उसको पानी में डुबा के मारा है थाल सिंह ने, छोटा सा, उसकी उम्र भी कुछ नहीं है, 12-13 साल उम्र है उसकी। नहीं, अब बुआ जी हैं, ये इनका मंगलसूत्र गिर गया लड़ाई में, इनकी पाजेब गिर गई, अब इनका जिम्मेदार कौन होगा? तो रात से कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही, कोई नहीं पहुंचा मुआयना लेने। ये कहाँ के निवासी हैं, कौन से थाने का मामला है? हाईवे थाने का मामला है ये, और ये अमर कॉलोनी में रहते हैं, हम रामकृष्ण नगर कॉलोनी में रहते हैं, वैसे पड़ोसी हैं, एक दो गली छोड़ के अमर कॉलोनी पड़ती है, और मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मुआयना लेने कोई नहीं पहुँचा है यहाँ। जिन लोगों ने हाथापाई की थी वह क्या काम करते हैं, कहाँ के लोग? उनका कपड़ों की दुकान है, कपड़े चलती हैं उनकी, अच्छे दबंग आदमी हैं, एक बार नहीं कई बार हर किसी से वो लड़ते लड़ते रहते हैं, उनका करियर यही है, क्रिमिनल लोग हैं वो। अब आपने एप्लीकेशन दे दी? एप्लीकेशन ले ली है, कहा है इन्होंने जब पुलिस पहुँचेगी, रात को भी कहा था, रात को कोई नहीं पहुँचा, अब देखते हैं अब पहुँचता है कि नहीं पहुँचता। क्या चाहते हैं आप इस विषय में? हम सामान्य कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई हुई इनके खिलाफ़ ये अरेस्ट हों, वरना ये तो हमको ऐसे ही मारेंगे,